कोरोना के सैंपल लेने और उनकी जांच की लंबी प्रक्रिया से अब नीमच जिले को निजात मिलने की उम्मीद बंधी है। प्रदेश के 29 जिलों में से नीमच का चयन हुआ है, जिसमें टू नेट मशीन की सुविधा को स्वीकृति मिली है। ऐसा इसलिए हो सका है कि शासन ने नीमच जिले के कोविड-19 सेंटर में कोरोना की जांच के लिए ट्रूनाट मशीन के रूप में मिनी लैब की स्वीकृति दे दी है। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन की पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग व इंजीनियर्स के कठिन परिश्रम कर टू नेट मशीन के लिए नीमच जिले की स्थितियों और गाइडलाइन के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया। 14 अप्रैल को सरकार द्वारा मांगे गए प्रस्ताव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इसके बाद काफी सिविल वर्क हमारी टीम करती रही व प्रस्ताव भेजने के बाद भी सतत प्रयास करते रहे। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने कहा कि 29 जिलों के प्रस्ताव इस जिला स्तर पर खोली जाने वाली प्रयोगशाला के लिए किए गए थे, उनमें से शासन द्वारा केवल नीमच को चयनित किया गया है। शासन के मापदंडों पर नीमच खरा उतरा है। शासन ने सैंपलिंग की स्वीकृति दे दी है, इसका श्रेय टीम को जाता है। मैं नीमच के जिले वासियों को एक और सूचना देना चाहता हूं कि नीमच शहर में कोविड-19 के टेस्ट हेतु ट्रूनेट मशीन की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन ने दी है। 29 जिलों से 41 ट्रूनेट स्टेशन की रिकमेंडेशन शासन को गई थी, उनमें से सिर्फ नीमच को भी एलिजिबल पाया गया है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। हमारी टीम ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। पूरे स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, सीओ जिला पंचायत, हम सब ने मिलकर पिछले 1-1.5 महीने से हम इसके लिए प्रयास कर रहे थे। मतलब ये हमारी जो जिला आपदा प्रबंधन समूह में भी इसका जिक्र हुआ था, माननीय विधायकगण के द्वारा, समाज के अन्य प्रबुद्धजनों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, IMA के डॉक्टर्स के द्वारा भी इसमें सजेशन दिया गया था कि अगर इसमें हम टेस्टिंग जिले स्तर पर करते हैं तो और एक अच्छी हमारा जो कोविड-19 से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। मामले में प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगीता भारती ने कहा कि CEO जिला पंचायत, अन्य प्रशासनिक अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के सफल कार्य का नतीजा है, जिससे हमें यह स्वीकृति मिल पाई है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इस मशीन के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसमें तय मापदंडों के सीमित संख्या में सैंपल की कोरोना जांच की शुरुआत की जाएगी। जो कोरोना की टेस्ट जो बाहर ले जाके कर रहे हैं उसमें अपने को 48 घंटा कम से कम लग रहा था आने में। इस टेस्ट से एक ये मदद हो जाएगी कि यहीं पे ही टेस्ट हो जाएगी। जो निगेटिव टेस्ट हैं उसमें तो कंफर्म होगा कि वो निगेटिव है, लेकिन यदि पॉजिटिव आती है तो सिर्फ जो पॉजिटिव की संख्या है उसको अपने को कन्फर्मेशन के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। तो बहुत मदद हो जाएगी इससे कि अननेसेसरी जो अपन 50 केस एक साथ सैंपल भेज रहे थे उसमें से 2 पॉजिटिव आया, 48 निगेटिव आया, तो वो वाली चीज़ का अपना बच जाएगा कि यहाँ पे 48 निगेटिव आते हैं और 2 पॉजिटिव आते हैं, तो सिर्फ 2 को भोपाल या रतलाम भेजना पड़ेगा। अब अभी आज मंगाया है वो, तो भोपाल से आ रही है आज, वो लगेगी थोड़ा सेटअप में टाइम। तो जो भी विजिट पे आए हैं लोग उनको सब कुछ अच्छा मिला है, अस्पताल की व्यवस्था हो या क्वारंटाइन की व्यवस्था हो या IDSP में जो रिपोर्टिंग का सिस्टम हो, सैम्पलिंग का सिस्टम हो, सब चीज़ में नीमच की कहीं कमी नहीं आ रही है और ICMR के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है हम लोगों का। तो जनता का सहयोग रहेगा, सबका सहयोग रहेगा तो और अच्छा होगा।